तो गाइस, इस वीडियो में हम VS कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की स्टेप्स हम देखते हैं। तो VS कोड ये जो एडिटर है, ये प्रोग्राम को एडिट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो VS कोड है, हम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सी, CPP, जावास, पाइथन, HTML। हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस एडिटर का यूज़ करके हम बिल्ड और रन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ब्राउज पर और सर्च करते हैं VS कोड डाउनलोड, और यहाँ हमें विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट हमें दिखाई देती है। तो हमें इसे ओपन करते हैं न्यू टैब पर, और यहाँ से डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड विंडोज़ के लिए, हमारा विंडोज़ 10, 11 के लिए हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो हम हमारे फोल्डर में जाते हैं, शो इन फोल्डर, और यहाँ से हम रन करते हैं हमारा VS कोड। ओके, तो हम आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और नेक्स्ट करते हैं। इस सी ड्राइव में इस लोकेशन पर हमारी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट, और यहाँ हमें डेस्कटॉप पर आइकॉन क्रिएट करना है, और फिर हम नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल। सो इसी तरह हमारा सेटअप यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फिनिश करते हैं। इस तरह विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ ओपन हो चुका है, और यहाँ से हम फाइल में जाकर, हम एक्सप्लोरर पर जाकर हम यहाँ न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फाइल पर जाकर न्यू फोल्डर ओपन, एग्जिस्टिंग फोल्डर ओपन करके हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से हम न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। प्लीज़, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।